और किस चीज पे काम करता है? जी 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 जहाँ तक मैं अभी तक जान पाई हूँ, मित्रम इज एक अनोनिमस सोसाइटी है, एक खुफिया सोसाइटी है जिसमें कि लोग कोई भी क्राइम होता है जो कि रिपोर्ट करने लायक है, क्योंकि हर जगह पर पुलिस हर क्राइम रिपोर्ट कर सके, बट लोगों के थ्रू जो कि इसका हिस्सा है क्राइम हम रिपोर्ट कर सकते हैं और वी कैन मेक दिस कंट्री क्राइम फ्री। और कैसे पता चला आपको मित्रम के बारे में? मेरी दीप सर से बात हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि मित्रम से आप क्या उम्मीद करते हैं, कि मित्रम आपको क्या दे सकता है और आप मित्रम को क्या दे सकती हैं? ओके, तो मैं मित्रम को क्या दे सकती हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी। पहली चीज ये कि मुझे ये आइडिया काफी अच्छा लगा, बहुत ही रिफॉर्म सोशल रिफॉर्मेबल आइडिया है, बहुत कंस्ट्रक्टिव आइडिया, बहुत प्रोडक्टिव सोच है, बट क्योंकि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है और इसमें ज्यादा लोग रिवील नहीं हो सकते, आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती है, तो कैसे आखिर में लोगों को पता चलेगा इसके बारे में, राइट? ये एक क्वेश्चन आता है, राइट? तो मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन पे काम करना चाहती हूँ, इस पे कि लोगों को ज्वाइन करो, राहुल आईडी ज्वाइन करो। जुड़े और अपने कंट्री के लिए एक कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे और बी द पार्ट ऑफ द चेंज। ओके, और ये बताइए मित्रम से आप क्या उम्मीद करती हैं? ये दूसरा क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं। ओके, मेरी उम्मीद यही है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव, एक जरूरी, एक अहम हिस्सा बन पाऊंगी मित्रम का, और ना सिर्फ इस जगह पे काम करके, बल्कि अगर मैं इस चीज का हिस्सा बन पाऊंगी, इस मूवमेंट का हिस्सा बन पाऊंगी, तो ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मित्रम के लिए भी अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सचेंज की उम्मीद नहीं कर सकती। और आप समाज में किस क्षेत्र में काम करना चाहती है, मतलब कहाँ ऐसी आपको कमी नजर आती है कि आप जो है एक सोशल वर्क के माध्यम से आप उसको पूरा कर पाएंगे, ऐसा क्या चीज है क्षेत्र, या फिर आप किस क्षेत्र में योगदान देना चाहती है? मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि मुझे कमियां ज्यादा जल्दी नजर आती है, कोई कमी होती है मैं उस पे ज्यादा, फिर मुझे उसका सलूशन चाहिए होता है, तो एक प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म करी कि मुझे ये लगता है कि ये एक प्रॉब्लम जिसे हम ट्रबलशूट कर सकते हैं, इसका सलूशन हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, विच इज व्हाई आई कैन डू काउंसलिंग, अदर देन दैट मेरी एक्सपर्टीज है फाइनेंस में, तो मैं इस कोर एरिया पे भी काम कर सकती हूँ। हेलो समीर, माइक अनम्यूट कर लें। हाँ बोलिए सर, कह रहा हूँ मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में, जैसा कि आज का आपका समाज है, जैसे बढ़ती जनसंख्या है, जैसा आज का लोग जॉब है या जो भी चीजें हैं, जिससे पर पर्सन किस चीज से परेशान है, सबसे बड़ी परेशानी उनकी क्या है जिससे आज कल लोग जूझ रहे हैं, ऐसी क्या परेशानी है व्यक्ति की? मान लीजिए आपकी कोई परेशानी हो या फिर हमारी हो या किसी की भी हो, आज के नॉर्मल लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, वो किस चीज से परेशान है, ऐसा क्या है? हेलो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी इंसान को तभी होती है जब उसको कोई परेशानी नहीं होती है आज के टाइम पे। जैसे हर इंसान परेशान है, ठीक है,
ऐसा नहीं है, कितना भी कोई भी चाहे मुकेश अंबानी, चाहे आप एक हाई सोसाइटी ले लीजिए या एक नॉर्मल फैमिली ले लीजिए या मिडिल क्लास, हर आदमी कहीं ना परेशान है किसी न चीज से। उसका आप क्या डिफाइन, जैसे मित्रम उसी पे काम करता है, आपको शायद रियलाइज नहीं होगा इसलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा घुमा रहा हूँ कि मित्रम सबसे बड़ी किस चीज का सोल्यूशन निकालता है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मित्रम का सबसे बड़ा काम वही है। ठीक है, आपने जिस तरह से रिफ्रेज किया, मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया था, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेम करूंगी। जहां तक मैंने जिस आइडिया से मैं अट्रैक्ट हुई, जो आइडिया था, जो मेन मोटिव था मित्रम का, वो ये कि कोई भी क्राइम जो कि अपने आसपास हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम जो कि हमारे आसपास हो रही है, देखिए ये बात सुनिए, देखिए क्राइम और ये चीजें तो ठीक है, ये तो समाज में कहीं ना कहीं हर जगह हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति सबसे बड़े किस चीज से पीड़ित है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है कहीं ना कहीं, वो ऐसी क्या चीज है, एक लॉजिकल एक ही वर्ड है, उसका नाम एक ही चीज है, वो होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन नाम सुनिए ना, और मित्र उसी पे काम करता है, पता है कि नहीं आपको, आई थिंक दीप सर आपको बताएंगे, ये मुझे पता था, हाँ जी दीप सर ने बताया, इसीलिए मैं पूछा हूँ, घुमा के पूछा हूँ आपसे कि मित्रम किस चीज पे काम करता है, आपको पता नहीं है, सबसे पहले इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि मित्रम डिप्रेशन पे काम करता है, और ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा, ये चीज दीप सर ने बताई थी मुझे, सबसे पहले तो दीप सर ने यही बताया था मुझे, नहीं पहले सुनिए कि उच्च से मतलब हाई सोसाइटी से लेकर लो सोसाइटी तक हर व्यक्ति परेशान है डिप्रेशन से, उसके लिए पैसे मायने नहीं रखता, सबसे बड़ी उसका प्रॉब्लम डिप्रेशन है, तो इस चीज को समझिए, सबसे पहले डिप्रेशन दूर करिए, समाज में कोई भी हो या क्राइम से रिलेटेड हो, ये तो क्राइम है ना, ये बहुत कॉमन चीज है स्टूडेंट्स में, हाँ तो इस सबसे पहले डिप्रेशन जब दूर करेंगे किसी का, जैसे चीजें अपने आप दूर जाएंगे, आदमी क्राइम क्यों करता है, अगर आप किसी को डांट रहे हैं या बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे दुश्मनी है, कहीं ना कहीं आप इस बढ़ती लाइफ बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं डिप्रेशन के भी शिकार है, आप उससे बोर होके बोल देते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप किसी बॉस पे गुस्सा निकाल रहे हैं तो वह डिप्रेशन है, या आप उससे पीड़ित हैं, या उसने आपको बहुत ज्यादा प्रेशर दे रखा है किसी वर्क के लिए, आपके पास फ्री टाइम नहीं मिल रहा है, तब यह डिप्रेशन उसको बोल सकती है, सबसे पहली प्रॉब्लम डिप्रेशन है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, समाज में डिप्रेशन से दूर रखना है सबको, मेरे बात को ना, या डिप्रेशन से दूर रखेंगे तो समाज में अपने आप लाइफ चेंज हो जाएगा, वो इंसान फिर अपने आप खुद ही सब कुछ करने लगेगा, ठीक है, चलिए ठीक है, मेरा इंटरव्यू हो गया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। तारा आईडी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तारा आईडी से, तारा आईडी से प्लीज आप रिवील करें, नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज आप इंटरव्यू के लिए तो करें। ड्रैगन आईडी से कौन कौन लोग हैं? तारा स्मार्ट, मित्रम प्रणाम, मित्रम प्रणाम सर, रेनू जी प्लीज आप इंटरव्यू कंटिन्यू करें। सर मैं बहुत दिनों महीनों बाद आई हूँ, मैं बीच में आई क्योंकि मेरे को आना था, बहुत नहीं आप कंफर्टेबल है इंटरव्यू? नहीं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट मैं सुनूंगी पूरा, माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, ड्रैगन आईडी में और कौन कौन है? यस सर मैं हूँ। हाँ सर प्लीज आप कंटिन्यू कर लें। ओके थैंक यू। हाँ साक्षी जी मित्रम प्रणाम, मैं अपना परिचय दे